हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 25 जुलाई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें जो देखने मिला है 1.27% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग और क्लोजिंग यहाँ पे हुई 2640.60 पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस स्टॉक का हम जो है एनालाइज हमारे खास सब्सक्राइबर के लिए लाए हैं जिसने हमें जो है कहा था कि इस स्टॉक का एक एनालाइज करें। तो यहाँ पे इसके लिए हम स्टॉक का जो एनालाइज करके ला रहे हैं। बाकी क्या आने वाले दिनों में स्टॉक में ऐसा ही जो अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमें एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी कोई स्टॉक का एनालाइज करें तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मार्केट आज मतलब 9 बजे से 3:30 के रेंज में जो है यहाँ पे उसी टाइम पे मार्केट ओपन रहने के टाइम पे आप जो है हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो पे जो कमेंट करें और उस स्टॉक का एनालाइज करने के लिए कहें तो हम ज़रूर जो है हमारे लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड कर लेंगे और वहाँ पर आपको कमेंट करके भी बता देंगे कि हम जो है उस स्टॉक का एनालाइज जो है आज ही के दिन लाएंगे या फिर कल के दिन, उस बारे में भी हम आपको वहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो ज़रूर जो आप यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे कौन से भी हमारे लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं मार्केट आज के टाइम पे। बाकी यहाँ पे अब बात करते हैं हम इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे वन डे के चार्ट में फिलहाल वॉल्यूम हम देख रहे हैं, वॉल्यूम एवरेज हमें देखने मिल रहा है। क्लोजिंग यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग जो बनी थी यहाँ पे स्मॉल साइज की जो है कैंडल बनी थी 2640 के आसपास क्लोजिंग भी हमें देखने मिली फ्राइडे के दिन। RSI यहाँ पे अगर हम बात करें तो 74-75 के आसपास आ चुका है, मतलब ओवरबॉट एरिया में करंटली हमारा RSI जो घूम रहा है जो हमें यहाँ पे जरूर है नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे हमें ज़रूर एक डाउन साइड मोमेंट जो है देने वाला है, मतलब चांसेस है कि स्टॉक में हमें डाउन साइड जो है मोमेंट देखने मिले। इवन दो ट्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रेंड में हमें जितना हो सके उतना जो है अपसाइड के लिए मतलब लॉन्ग के ही जो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए चाहे इंट्राडे वाइज हो या फिर पोजिशनल वाइज। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन करंटली मैं आपको बता दूँ स्टॉक में डाउन साइड जो है सबसे पहले हमें देखने मिलेगा अराउंड 2603 के आसपास। उसको अगर स्टॉक क्रॉस कर दिया तो फिर स्टॉक में इजीली 2567 के आसपास देखने मिलेगा। यहाँ पे कभी भी आपको 2567 के नीचे का स्टॉक गिरते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आप जरूर जो बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहे वो भी कर सकते हैं या फिर अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और आपको एवरेजिंग करनी है तो ज़रूर यहाँ पे आप कर सकते हैं आफ्टर 2570 के नीचे। तो यहाँ पे बढ़िया आपका जो है एक एवरेज का भी जो है प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट एवरेजिंग भी अच्छी हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो है जब भी अभी स्टॉक जो है क्योंकि लॉन्ग यानी कि लॉन्ग साइड में अपसाइड में ही है, ट्रेंड के अपसाइड में है, तो यहाँ पे स्टॉक में जो है जब भी डाउनसाइड थोड़ी सी आएगी तो वहाँ से अपसाइड जो है मोमेंट एक सस्टेन रहेगी, परमानेंट मैं कहूँगा एक तरह से हमें देखने मिलेगी। तो वहाँ पे उस चीज़ को देखते हुए आप ज़रूर जो है अपना जो है लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढे चाहे इंट्राडे वाइज हो या फिर पोजिशनल वाइज। बाकी आपको क्या लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क ले, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में हमें नया जो है डेटा बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है तो उसको हमें जरूर जब मार्क करके रखना है। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे मेंटेन करने में। तो यहाँ पे अपसाइड में हमने जो है मार्किंग्स बीच में थोड़ी सी जो है हमने यहाँ पे
नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे इस साइड नीचे आया था, तभी हमने स्टॉक की जो है एनालाइज बिल्कुल भी नहीं किया था, तो यहाँ पे इसीलिए हमें उस डेटा को भी देखते हुए ज़रूर मार्किंग यहाँ पे करनी है। तो ये भी मैं यहाँ पे आप सभी के सामने कर देता हूँ, आप भी जो है याद से इस यहाँ पे जो मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस नहीं देखा है, तो मैं ज़रूर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ पे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस देख लें। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमें हेल्प करती है हमारा एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में, ये चीज़ें हमने बताई है, और यहाँ पे अच्छी तरह से अपना जो ट्रेड लेने में भी आपको जो हेल्प करेगी, चाहे लॉन्ग के लिए हो या फिर शॉर्ट के लिए हो। तो अब हमारी मार्किंग्स भी यहाँ पे हो चुकी है, बात यहाँ पे सीधा हम करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे करते हैं तो दोनों साइड का हमें डेटा क्लियरली देखने मिले, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2640 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 2623 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 2644 का। जो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है, तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, ज़रूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो ज़रूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 2599 का, उसके बाद क्या आता है 2573 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 2661 का, उसके बाद क्या आता है 2681 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का चांसेस बहुत ही है कि स्टॉक में हमें डाउनसाइड जो देखने मिले। यहाँ पे नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में चांसेस आए कि हमें क्लोजिंग देखने मिले, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो और नीचे जो स्टॉक आ सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन जरूर यहाँ पे उस चीज़ के लिए हम जो है मंडे के दे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इस रेंज में नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में हमें क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है और वो भी नेगेटिव साइड में। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।